और बड़ी खबर है खंडवा से, कलमा पर स्कूल की सफाई, सेंट पायस स्कूल में आए थे पढ़ाने का ये मामला, स्कूल प्रबंधन का जवाब आया है। स्कूल की प्रिंसिपल विक्टोरिया का बयान है, कल कुरान पढ़वाई, डांस करवाया, ईद सेलिब्रेट किया, सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कलमा क्या है मैं नहीं जानती। ये बड़ी खबर है खंडवा से, जहां दरअसल सेंट पायस स्कूल में आयतें पढ़ाने का ये मामला था और कलमा पढ़ाने पर, आयतें पढ़ाने पर स्कूल की सफाई आई है, स्कूल प्रबंधन का इस पर जवाब आया है। स्कूल की प्रिंसिपल विक्टोरिया ने बयान दिया है कि कल कुरान पढ़वाई, डांस करवाया, ईद सेलिब्रेट किया है, सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कलमा क्या है मैं नहीं जानती। दरअसल हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत की थी सेंट पायस स्कूल की, और इसके बाद मामला चर्चाओं में आया, जिस पर स्कूल प्रिंसिपल ने इस पर सफाई दी। हम लोग इंडिया के मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, आज ईद सेलिब्रेशन था, सो कल वी सेलिब्रेटेड ईद सेलिब्रेशन, वी रीड ओन कुरान, ओन डांस, देन वी टोल्ड एवरीबडी ईद मुबारक। I do not know what is kalma. I did not understand also. They read. हम लोग है ना धर्म सभी धर्म शिक्षा देती है सबको, सभी पेरेंट्स सभी स्टूडेंट्स को, सो दैट दे विल रेस्पेक्ट ईच अदर एंड लव ईच अदर, दे विल अंडरस्टैंड ईच अदर, सो दैट इज अवर मोटिवेशन वी हैव सेलिब्रेटेड। तो खंडवा का ये मामला, जहां सेंट पायस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कलमा पढ़ाने की नमाज पढ़ाने की शिकायत हुई और इसके बाद हिंदू संगठनों ने शिकायत की और अब इस पर सफाई आई है। न्यूज 18 संवाददाता अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जैसे ही सफाई दे रहे हैं कि सभी फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित होते हैं, उनके धार्मिक आयोजन भी होते हैं क्या? जी बिल्कुल, हम बता रहे हैं जैसा उनकी उनकी जो सफाई आई है वो हम दर्शकों को दिखा दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि सभी धर्मों के जो बड़े फेस्टिवल आते हैं वो स्कूल में मनाए जाते हैं। कल भी ऐसा ही किया हमने, ईद को लेकर एक आयोजन किया था और उसमें डांस किया गया और सभी बच्चों को ईद मुबारक कहा गया। लेकिन हिंदू संगठनों ने जो शिकायत की है उसमें कलमा पढ़ाने की बात, आयतें सुनाने की बात कहकर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है स्कूल को, कारण पूछा है, जवाब मांगा है। इस बीच ये पूरा मामला सुर्खियों में बना तो स्कूल प्रबंधन भी सफाई देने के लिए सामने आया और सफाई ये दे रहा है कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, सभी बराबर हैं और सभी के लिए आयोजन करते हैं। हालांकि ये पूरा मामला जिला प्रशासन की जांच में है और जांच के बाद इसमें कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं। हिंदू संगठनों ने बिल्कुल, जांच होगी, तस्वीर और साफ होगी। शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा का मामला, दमोह में प्रहलाद पटेल ने सुरक्षा लौटाई थी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान है, दमोह मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, जांच के लिए सीआईडी भोपाल को भेजने के आदेश हो गए हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री श्री पटेल बहुत सम्माननीय वरिष्ठ नेता है। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा का मामला, दमोह में प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी सुरक्षा लौटाई थी। देखिए, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं और हमारे सम्माननीय, जो विषय संज्ञान में आया है बहुत गंभीरता से लिया है और उसको तत्काल यहां सीआईडी में भोपाल ट्रांसफर करने के आदेश सोई कर दिए थे, आदेश निकल भी गए और उसकी जांच होगी और जो गलती पे होगा, जो जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। शैलेंद्र, सुरक्षा लौटाना, उसी मामले पर क्या विरोध दर्ज कराना था प्रहलाद पटेल का? दूसरा ये कि उस मामले में एक्शन भी शुरू हो गया है जिसका जिक्र हो रहा है? देखिए बिल्कुल प्रशांत, ये इसको ऐसी तरीके से देखा जाए कि वो जिस तरीके से जिस दमोह पुलिस ने उनको सुरक्षा प्रदान की थी, उसी दमोह पुलिस पर वो जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी नाराजगी थी कि जो मामले दर्ज हुए हैं, जो कारोबारी था और जो राशन दुकान कारोबारी, उसने जो सुसाइड किया था और उसने
कुछ लोगों के नाम अपने जो लेटर छोड़ा था उसमें लिखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बगैर किसी जांच के उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए। इस बात की जो शिकायत है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री को थी और यही कारण है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा लौटा दी थी। जब इस बात की जानकारी जो है मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री को लगी तो तत्काल जो अधिकारी जिस थाने में एफआईआर हुई उसको तत्काल प्रभाव से सीआईडी भोपाल अटैच कर दिया गया और पूरे मामले जांच के आदेश भी दिए। जी शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है, व्यापम परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। नकल रोकने के लिए अलग श्रृंखला में प्रश्न होते हैं, पेमेंट करने पर उत्तर की श्रृंखला समान मिलती है। रमन सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर, पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा, व्यापम परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या आधार है इनका? जी देखिए प्रशांत, व्यापम को लेकर के बीजेपी लगातार हल्ला मचा रही है और सड़क तक लड़ाई है, वो लड़ने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी व्यापम को लेकर के आंदोलन कर चुकी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने व्यापम की परीक्षा के चार जो प्रश्न पत्र जो सेट होते हैं और उसका एक लिखित जो दस्तावेज होता है, जो सीट होता है, और उसे लेकर के ट्वीट किया है और राज्य सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है और ट्वीट के माध्यम से जो है निशाना साधा है और उससे साफ तौर पर लिखा है कि अलग अलग संस्थाओं के प्रश्न पत्र होते हैं ताकि नकल को रोका जा सके और पारदर्शिता लाया जा सके, लेकिन सरकार पर आरोप लगाया है और लेन देन का। ठीक जी, चलिए बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी।